दें, आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से गुरुवार को आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यानी 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 11 दिसंबर को किसान अपने घर लौट जाएंगे। किसान नेता बलवीर सिंह राजवाल ने कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, मोर्चे खत्म हो रहे हैं, 11 दिसंबर से घर वापसी होगी। राज्यपाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा, हर महीने 15 तारीख को बैठक होगी, किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव में उतरने सवाल पर कहा कि मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, जबकि किसान नेता हनान मुल्हा ने कहा कि आज़ादी के बाद का यह सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन रहा। किसान मोर्चा ने कहा कि 15 जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर से आंदोलन होगा। मोर्चा ने कहा कि इसके जैसा आंदोलन ना कभी हुआ और ना होगा। इससे पहले किसानों की लंबित मांगों पर सरकार की तरफ से कृषि सचिव के हस्ताक्षर से चिट्ठी भेजी गई थी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने कहा, सरकार की तरफ से जो वादे किए गए हैं उसको पूरा कर लिया गया है, सरकार की तरफ से बैठकें हो गई हैं, लेकिन अगर हमारी मांगों पर खरा नहीं उतरा गया तो हम दोबारा इस आंदोलन को कंटिन्यू कर सकते हैं। किसान मोर्चा ने कहा कि 15 जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर से आंदोलन होगा। मोर्चा ने कहा कि इसके जैसा आंदोलन ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। इससे पहले किसानों की लंबित मांगों पर सरकार की तरफ से कृषि सचिव के हस्ताक्षर से चिट्ठी भेजी गई है, बता दें आपको। उसके बाद आंदोलन खत्म करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला लिया जाएगा। सरकार ने नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 नेताओं की कमेटी ने नई दिल्ली में बैठक की और फिर सिंघू बॉर्डर पर मोर्चा बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। सहमति का ऐलान करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक ऐलान करने के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।